उदाहरण 13, कोष्टक में साइन 47 अंश बटा कॉस 43 अंश कोष्टक बन की घात 2 धन कोष्टक में कॉस 43 अंश बटा साइन 47 अंश कोष्टक बन की घात 2 ऋण 4 कॉस की घात 2 45 अंश का मान ज्ञात कीजिए। उदाहरण 13, हल। कोष्टक में साइन 47 अंश बटा कॉस 43 अंश कोष्टक बंद की घात 2 धन कोष्टक में कॉस 43 अंश बटा साइन 47 अंश कोष्टक बंद की घात 2 ऋण 4 कॉस की घात 2 45 अंश का मान हमें ज्ञात करना है। इसके लिए सबसे पहले बराबर हम साइन 47 अंश को लिखेंगे साइन कोष्टक में 90 अंश ऋण 43 अंश। अब 90 और 43 का अंतर 47 अंश होता है तो हम 47 अंश के स्थान पर 90 अंश ऋण 43 अंश लिखें, क्योंकि हमारे पास नीचे में कॉस 43 अंश दिया है। धन उसी तरह से इसको हम कोष्टक में रख लेंगे और इसकी घात 2 है तो कोष्टक के बाहर में घात 2। उसी तरह से कोष्टक में कॉस 90 अंश ऋण 47 अंश लिखेंगे हम। 90 में से 47 को घटाएंगे, 90 अंश में से 47 अंश को घटाएंगे तो हमें 43 अंश मिलेगा। तो कॉस 43 अंश के स्थान पे हम कॉस 90 अंश ऋण 47 अंश लिखे बटा साइन 47 अंश और कोष्टक बंद इसकी घात 2 ऋण 4, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉस 45 अंश का मान जो होता है वो 1 बटा वर्गमूल 2 होता है। ये हमारा कॉस 45 अंश का है मान और क्योंकि कॉस की घात 2 है तो हम यहाँ कोष्टक के बाहर की घात 2 लगा देंगे, 1 बटा 2 की घात 2। अब हम जानते हैं कि साइन 90 अंश ऋण थीटा जो होता है वो कॉस थीटा होता है और थीटा के स्थान पे हमारे पास 43 अंश दिया लिखा गया है तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे सूत्र, साइन 90 अंश ऋण थीटा बराबर कॉस थीटा तो ये हो जाएगा कॉस 43 अंश बटा कॉस 43 अंश और कोष्टक के अंदर में रखेंगे और इसकी घात 2 धन कॉस 90 अंश ऋण 47 अंश को हम साइन 47 अंश लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉस 90 अंश ऋण थीटा जो होता है वह साइन थीटा होता है तो ये बन जाएगा हमारा साइन 47 अंश बटा साइन 47 अंश की घात 2 ऋण 4 और गुणा 1 का वर्ग 1 हो गया और वर्गमूल 2 का वर्ग 2 हो जाएगा। यहाँ पे कॉस 43 अंश बटा कॉस 43 अंश अंश और हर से कट जाएगा और हमें प्राप्त होगा 1 और 1 का वर्ग होता है 1 धन। यहाँ पे भी उसी तरह से साइन 47 अंश बटा साइन 47 अंश अंश और हर में कट जाएगा और इसका मान 1 का वर्ग जो होगा 1 आ जाएगा ऋण, यहाँ पे हम इसको 2 एकम 2 और 2 दुनी 4 करके काटेंगे तो यहाँ पे 2 एकम 2 आ जाएगा
अब बराबर एक और एक, एक धन एक, दो ऋण दो बराबर दो ऋण दो बराबर शून्य। यह हमारा इस प्रश्न, इस उदाहरण का हल होगा। तो यहाँ पे हमारे पास उत्तर आया इसका शून्य।